अच्छी पढ़ाई यानी प्राइवेट स्कूल, पूरे देश में यही सोच है। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उत्तराखंड में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां दाखिले के लिए लंबी कतारें लगती हैं, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। 150 साल पुराने इस स्कूल ने पढ़ाई लिखाई में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो कमाल की है। यानी कि 150 साल बाद आज ये सरकारी स्कूल तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मात दे रहा है। यहाँ के बच्चे सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी प्राइवेट स्कूल से एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। और मुझे लगता है कि जिस शिक्षा के दौर से, जिस शैक्षणिक दौर से हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज गुजर रही हैं, उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल से एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल अपने आप में वाकई एक मिसाल कायम कर रहा है। शर्मा जी के नेतृत्व में जो ये स्कूल चल रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में एक मिसाल है पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में। जिस तरीके से यहाँ पर क्लासेस चलते हैं, जिस तरह यहाँ पर शर्मा जी का अपना सहयोग है सभी लोगों का, अभिभावकों का, ये अपने आप मिसाल में। प्राइवेट स्कूल में कर लो तो नाम बोलता है, लेकिन यहाँ पर जो कपकोट मॉडल स्कूल है, ये अब इनका काम बोलता है, यहाँ पर इनका काम बोलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत दूर क्षेत्र से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने आते, कम 60-70 किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को यहाँ पे किराए में रह करके अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। 1 अप्रैल 2016 को इसको एस्टेब्लिश किया गया मॉडल के रूप में। तो तत्कालीन जो शिक्षा अधिकारी थे उनके द्वारा जो एक टीम गठित विद्यालय के लिए की, उसका एक परिणाम था कि उन्होंने ईमानदारी से विद्यालय को अपना योगदान दिया। बच्चों के साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है या फिर बच्चे की जो डिमांड्स होती हैं उनके अनुरूप उन्होंने काम किया। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बार गवर्नमेंट विद्यालयों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोग हैं या उन सब के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से विद्यालय को जब जब विद्यालय की कोई आवश्यकताएं रही है उनके पास गए हैं, तो उन्होंने उन आवश्यकताओं को पूर्ति की है। मेरा बच्चा क्लास 4 में यह इस विद्यालय में अध्ययन करता है, और यहाँ की पढ़ाई को देख के और यहाँ के जो पूरा स्टाफ का जो पूरी मेहनत और लगन से सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, चाहे वो खेल कूद में हो, पढ़ाई के साथ साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, हारमोनियम, खेल कूद, सब चीज़ में यहाँ बच्चों का जो है चौमुखी विकास होता है। इसलिए मैंने अपने बच्चे को यहाँ जो है पढ़ाई के लिए भेज रखा है। प्राइवेट स्कूल में जितनी चीज़ें होती नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मतलब इस विद्यालय में होती है। आप स्पोर्ट्स से देखिए, कल्चरल प्रोग्राम देखिए,
या क्विज वगैरह भी या एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन में, तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं, जबकि सीमित संसाधन है, बड़ी बात ही, अगर संसाधन बेहतर होंगे तो और बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। आई रीडिंग क्लास 4th ए। माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट। मेरे को ये स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैंने आज तक जहाँ भी स्कूलों में पढ़ा है वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन मैं इस स्कूल पे आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को यहाँ की पढ़ाई बहुत पसंद है। सभी विभाग ये जानते हैं कि इस स्कूल में डालें, क्योंकि यहाँ जब एडमिशन स्लिप मतलब वो लगी थी तो यहाँ बहुत पेरेंट्स थे, किसी का तो नंबर आया ही नहीं, और इसलिए क्योंकि ये घोड़ा खाल और नवोदय में भी निकलते हैं बच्चे, और जैसे बच्चे होमवर्क करने में करते हैं, अब तो टीचरों के टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ। बच्चों की जो वैकेंसीज होती हैं वो 60-70 ऑल ओवर हमारे पास, क्लास फर्स्ट में ऐसे ओपनली एडमिशन होते हैं, 20 के क्लासेस में हम कुछ कुछ एडमिशन ले पाते थे, 60-70 के एवरेज पर हम पेरेंट्स 400-500 की ऐसी संख्या रहती है जो डिमांड करती है कि एडमिशन हो। 1872 की स्थापना का यह विद्यालय है और इसने तमाम प्रकार के दौर देखे, और जो विकासखंड में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो काम अंग्रेजों के समय में भी हुआ करता होगा तो इस विद्यालय ने ये देखा है। 1931 में इसके जीर्णोद्धार भी किया गया और विशेष चमत्कार फिर जब 2016 में विद्यालय को उत्तराखंड सरकार के द्वारा मॉडल विद्यालयों के रूप में इसकी स्थापना की गई। यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं और जो सर हैं प्रिंसिपल वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, पूरे स्कूल के लिए करते हैं। आमतौर पर हर माता पिता हर अभिभावक यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा और बेटर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन के लिए निजी स्कूल में दाखिला ले, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल में ही डालते हैं, लेकिन आपने ऐसा बहुत ही कम देखा होगा कि किसी परिवार ने अपने बच्चे को निजी स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया हो, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गाँव में ऐसा सच हो रहा है क्योंकि यहाँ का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है और एक मिसाल कायम कर रहा है।